सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का अमाउंट है, अब आप उसे एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। ये प्रोविजंस जो हैं वो रूल्स के थ्रू अमेंड कर दिए गए हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये ट्रांसफर ऑफ कैश बैलेंस का जो प्रोविजन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप बात देख पा रहे हैं, रूल नंबर 87 के अंदर इंसर्ट किया गया है एक नया रूल, रूल नंबर 14 बाय द नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 जो 5 जुलाई 2022 को इशू किया गया। अब इस पॉइंट नंबर या सब रूल 14 के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, ये बहुत ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें जो ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन मे ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर द एक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25(5) थ्रू फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। अब यहां पर जो हमारा फॉर्म है पीएमटी 09, ये आप में से कईयों को पता होगा कि इसके अंदर आप अपना कैश लेजर का अमाउंट सीजीएसटी से एसजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते थे, चाहे वो टैक्स का हेड हो, चाहे वो लेट फीस का हेड हो, चाहे वो पेनल्टी का हो, किसी भी हेड से आप इंटर हेड एडजस्टमेंट्स जो है वो भी कर सकते थे। लेकिन जो ये नया प्रोविजन है जो ये कहता है कि एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन में भी आप कैश लेजर का अमाउंट ट्रांसफर कर पाएंगे, वो किस तरीके से होगा। लेट सपोज एक पैन नंबर पे आपने एक रजिस्ट्रेशन ले रखा है दिल्ली में और आपने दूसरा रजिस्ट्रेशन ले रखा है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। सेम पैन पे, सेम एस्टैब्लिशमेंट आप दिल्ली में रखते हैं और उसी पैन पे एस्टैब्लिशमेंट आप मुंबई में रजिस्टर कराते हैं, तो आपका पैन नंबर सेम है लेकिन दिल्ली के लिए जीएसटी नंबर अलग है, महाराष्ट्र के लिए जीएसटी नंबर अलग हो जाता है। तो सेक्शन 25(5) ये कहता है कि इस सिचुएशन में आपका जो बैलेंस ऑफ कैश लेजर है वो ट्रांसफर करना अलाउड होगा, क्योंकि 25(5) में ये चीजें बताई गई हैं कि ऐसे एस्टैब्लिशमेंट को हम लोग कहते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एक्ट। लेकिन यहां पर आपको समझना क्या है, लेट सपोज दिल्ली के जीएसटीएन नंबर में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है उसके अंदर बैलेंस आपके पास सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों हेड में अवेलेबल है, सीजीएसटी में भी है, एसजीएसटी में भी है, आईजीएसटी में भी है। अब जब आप इस दिल्ली वाले जीएसटी नंबर का कैश लेजर का बैलेंस अपने मुंबई वाले जीएसटी नंबर के साथ ट्रांसफर करना चाहेंगे, सेम पैन नंबर होना चाहिए, तो आप अलाउड किस लिए होंगे और किस चीज के लिए होंगे? आपको अलाउ किया जाएगा दिल्ली का जो कैश लेजर का बैलेंस सीजीएसटी का है वो आप सीजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हैं, आईजीएसटी का जो बैलेंस है वो आप आईजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हैं या सीजीएसटी में ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि एसजीएसटी का जो बैलेंस है उसको आप नहीं छू सकते। कहने का मतलब है अगर आप रूल पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है कि ट्रांसफर किया जा सकता है एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या कोई भी अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अंडर द एक्ट, यानी कि सीजीएसटी के लेजर में ये कोई भी अमाउंट पड़ा है तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन के सीजीएसटी वाले बैलेंस के लिए आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी तरीके से सीजीएसटी का जो बैलेंस पड़ा है
उसे आप आईजीएसटी ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सीजीएसटी का जो बैलेंस पड़ा है दिल्ली के जीएसटीएन पे, वो मुंबई के एसजीएसटी में आपको ट्रांसफर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका एनालिसिस आपको विद एग्जांपल हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ये काफी बड़ी रिलीफ आपको मिलने वाली है कि अब आप एक स्टेट का जीएसटीएन और उसका जो बैलेंस इन कैश है वो दूसरे स्टेट के जीएसटीएन के साथ भी ट्रांसफर करके यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आपने रूल नंबर 13 के हवाले से ये चीज समझ लेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आपका सेम जीएसटीएन है, दिल्ली का ही जीएसटीएन है, उसी में आपके पास सीजीएसटी में बैलेंस है और आपको ट्रांसफर करना है एसजीएसटी में, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। यानी कि दिल्ली के जीएसटीएन में जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अवेलेबल है उसमें आपके पास सीजीएसटी में बैलेंस है लेकिन एसजीएसटी में बैलेंस नहीं है, तो सीजीएसटी का बैलेंस आप एसजीएसटी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सेम जीएसटीएन नंबर पे ही इंटर हेड एडजस्टमेंट्स जो है वो किए जा रहे हैं। तो यहां पर रूल 13 और रूल 14 के अंदर यही एक छोटा सा डिफरेंस है कि ये सेम जीएसटीएन नंबर पे हो रहा है, इसीलिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी में इंटर हेड एडजस्टमेंट्स भी अलाउड है, और यहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन होने की वजह से, स्टेट चेंज होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी और आईजीएसटी का ही ट्रांसफर जो है अलाउ किया गया है। एक स्टेट का बैलेंस दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करने का अलाउड जो है वो नहीं, और जितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर लेंगे वो अमाउंट मान लिया जाएगा कि आपने उसका रिफंड जो है वो क्लेम कर लिया है। लेकिन ट्रांसफर करने से पहले एक कंडीशन ये है कि आपके पास, यानी कि जिस जीएसटी नंबर से अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है, उस रजिस्टर्ड पर्सन के लेजर में कोई भी अनपेड लाइबिलिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अनपेड लाइबिलिटी है तो पहले आप उसे पे कर दीजिए, उसके बाद जो बैलेंस एक्सेस रह जाएगा उसका आप ट्रांसफर करके सामने वाले का यूटिलाइजेशन करवा सकते हैं, जिससे वर्किंग कैपिटल जो है वो काफी ज्यादा सेव हो सकती है। काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा अमेंडमेंट जो है ये सीजीएसटी रूल के अंदर कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से अब आप इस तरीके का जो लेजर ट्रांसफर है वो कैसे करेंगे और किस कंडीशन में अलाउड है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।